क्या सोच रहे हो? बोलो। जमीन बेच दूंगा। नहीं नहीं, किसान कभी अपनी जमीन नहीं बेचते। कमा खुद तो मेरा, लेकिन ईश्वर के लिए जमीन मत बेचो। पगली, जिंदा रही तो बहुत जमीन आ जाएगी। मैं जाता हूँ बड़े बाबू के पास। बाबा वो खाना लाने देते हो? हाँ बेटा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अच्छा। नहीं, मत जाओ, मत जाओ। जमींदारी माँ की जय। जमींदारी माँ की जय। हाँ तो कितनी जमीन लिखी है? 5 बीघे। 5 बीघे? जी। अच्छा तो लगाओ निशान। ला। चौधरी श्यामलाल को 5 पसेरे गेहूं दे दो। जी। चौधरी श्यामलाल नहीं, कंगाल श्यामलाल को। मंसूर जी, अनाज जला दो। बहुत अच्छा, चलो चौधरी श्यामलाल 5 पसेरे गेहूं। श्यामू, कहाँ से आ रहे हो भैया? अपनी जमीन बेच कर आ रहा हूँ। जमीन बेचकर? ये क्या किया तुमने? क्या करता, अपनी आंखों से अपने बच्चों को भूखों मरते हुए कैसे देख सकता हूँ भैया? किसको बेची जमीन? बड़े बाबू को, उन मुसीबत दानों के लिए। साली, हमारे इस मुसीबत का अच्छा फायदा उठा रखा है। तुम जमींदार माँ के पास क्यों नहीं चले गए? ये देखो, मैं उन्हीं के पास से ला रहा हूँ। लेकिन मैं तो उनका किसान नहीं हूँ। तो क्या हुआ, उनकी निगाह में सब एक जैसे हैं, सबके लिए सदावत। जमींदार माँ की जय। 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 हुजूर, क्या है? गजब हो गया। लो बेटा, हिसाब तो करो, क्या हो गया? जमींदार किसानों को मुफ्त अनाज बांट रही है। मुफ्त में अनाज बांट रही है? कुछ दिन और फिर जाओ, ईश्वर ने चाहा तो ये अकाल अभी बंद न होगा। लोग दाने दाने को तरसेंगे, फिर ये किसान तो क्या, वो जमींदारन भी भीख मांगने आएगी। ये तो ठीक है हुजूर, लेकिन आज तो वो दया की देवी बनी हुई है, सब किसान हमें कोस रहे हैं। अरे कहो के कोसने से कई ठोर मरता है। जिसकी लाठी उसके भैंस। मेरे पास धन है, दौलत है, अनाज है, आधे गांव का राजा हूँ मैं। राजा तुम भले हो, लेकिन जय जयकार तो उसी की हो रही है। ये जय जयकार तुम्हारी है, मेरी नहीं। शंकर, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरे पिता की ये जय जयकार हमेशा गूंजती रहे। हमेशा गूंजती रहेगी माँ, सुख दुख में सब भाई भाई हैं। तुम्हारा ये उपदेश मैं कभी नहीं भूलूंगा। खुश रहो बेटा, खुदा तुम्हारी जबान मुबारक रखे। मुझे यकीन है कि तुम भी अपने पिता की तरह दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हें उनकी पूरी छाया है, वही दिल, वही दिमाग, वही सब कुछ। रहमान चाचा, आपने हमारे पिताजी को देखा था? अरे बेटा, मैंने तो उनको भी तुम्हारी तरह गोद में खिलाया है। हमारे सामने खेले कूदे बड़े हुए। माँ जी भी तो हमारे सामने बहू बनकर आई थी, मुझे याद है वो दिन। रहमान चाचा, जाइए उन बच्चों को यहाँ ले आइए। बहुत अच्छा। न जाने गांव में भी कितने बच्चे होंगे जिनका दुनिया में कोई नहीं, न माँ
अपने बाप कहां तक मौत से लड़ेंगे बेचारे, उनको यहां क्यों न लाया जाए। मेरे पास, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे खाने दूंगी। पार्वती देवी, बहुत क्या नाम है तुम्हारा? जान और तुम्हारा मुझे। अरे तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो मेरे पास? ना नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, भगवान की लड़की तो इससे क्या हुआ। आ दुर्गा, आज ही बेचारे की माँ गुजरी है। आज तो मैं तेरी माँ हूँ। शंकर ये तेरी बहन है। रहमान चाचा, आज मैं कितनी खुश हूँ। जीवन का भार अपने सर पे ले रखा हूँ। मुझे शक्ति दे कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। हम भूखे मर जाएंगे। या खुदा पानी दत्ता वहां कर रहम। भगवान कब तक रूखे रहोगे? पानी बरसा नहीं तो भूखों मर जाएंगे। पानी पानी किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद। देखो किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद। किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद। देखो किला है बुलंद, देखो दरवाजे हैं बंद। देखो इधर से आएंगे अपने मुक्की खाओगे। इधर से आएंगे अपने मुक्की खाओगे। तलवार लेकर आएंगे अपने मुक्की खाओगे। बंदूक लेकर आएंगे अपने मुक्की खाओगे। हम तोप
लेकर आएंगे, अपने मुँह की खाओगे। किला है बुलंद देखो, दरवाजे है बंद देखो, किला है बुलंद देखो, दरवाजे है बंद देखो, किला है बुलंद देखो, दरवाजे है बंद देखो। मेरी आँखों के पिछिया देगी तू, मेरी आँखों के पिछिया देगी तू, अपनी इस घर के रखवाले हो तू, अपने इस घर के रखवाले हो तू। तुम ही करोगे माँ की गोदनिहार, तुम ही करोगे माँ की गोदनिहार। एक सुर में बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल। हमने घर, हमने घर, हमने घर, एक हमारा घर है, एक हमारी माता, एक हमारा घर है, एक हमारी माता। भाई भाई का हमने जोड़ा आपस में रखा, भाई भाई का हमने जोड़ा आपस में रखा। नंबर आने पर हमें तो घर, 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 हमें तो घर। सब अनाज मेरे सामने लाकर भरो। पर हुजूर, मैंने तो सिर्फ साल भर के लिए ही रख छोड़ा है। मैं कुछ नहीं जानता, आज ही सब अनाज मेरे गोदाम में पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो लोटा थाली गाय बैल घर मकान सब बिकवा दूंगा। जो कुछ पेट भरने के लिए चाहिए यहाँ से ले जाया कर। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। देखो सब अनाज आ जाना चाहिए, नहीं तो मैंने जैसा बताया है वैसा करो। जी हुजूर। बाबूजी हम खेलने जाए। कहाँ जाएगा खेलने? नदी किनारे बाबूजी, नाव का खेल खेलेंगे। छुन्नू मुन्नू भी जाएंगे साथ। छुन्नू मुन्नू? क्यों बे मनसुख, कितनी बार कहा तुझसे कि छोटे बाबू को इन गरीब नीच लड़कों के साथ न खेलने दिया कर। अगर इनकी संगत पड़ गई तो घर द्वार इज्जत सब मिट्टी में मिला देगा। बड़े होकर इसे चौकीदार नहीं बनना है, जमींदारी देखनी है, जमींदारी। ये तो है ही हुजूर। चलो छोटे बाबू। आधा भर, आधा भर। चलो बच्चों। क्या देख रहे हो रहमान चाचा? अपने किसानों के खेत बेटा। दो साल पहले यहाँ धूल उड़ रही थी, आज दौलत बिखरी हुई है। और ये दिन दिखाया किसानों को तुम्हारी माँ ने, नहीं तो यहाँ जालिम बड़े बाबू के हल चलते होते। अभी तुम गा रहे थे ना, किला है बुलंद देखो, यही तुम्हारा किला है। किसी की तुम्हें रखवाली करनी है, यहाँ के अमन चैन को कभी कोई छीनने न पाए। अरे तुम लोग किस सोच में पड़ गए है? जाओ जाओ खेलो, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन है। जब हम लोग इस दुनिया में न रहे और तुम लोग बड़े हो जाओ ये तो तब की बात है। जाओ जाओ खेलो। रहमान चाचा कहाँ चले? अब तो मैं काम पर जाता हूँ बेटा। अब कहाँ चले खेलने? सुनो, घर चुरा के खाता है। क्या है छोटे बाबू, क्यों पीट रहे हो इस बेचारे को? हमारा बेर तोड़कर खा रहा था। शंकर भाई आप पड़े हुए थे। छोड़ दो इसे छोटे बाबू। मैं अपने खेतों में कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? क्योंकि फिर बेर तोड़कर खाएगा है? बहादुर इधर आ, चलो हमारे साथ, फिर देखो कैसे मारता है ये। अबे इधर आओ तो मरम्मत कर दूंगा तुम्हारी। मुझसे मामा हम चढ़ेंगे नाव पर, इन लोगों को नाव से उतार दो। हाँ अभी लोग छोटे बाबू।
है, उतर जाओ नाव से, चलो। नहीं उतरेंगे, जाओ। उतरोगे कैसे? नहीं, हम नाव डुबो देंगे। यहाँ आओ तो सही, देखिए तुम्हारी हिम्मत। ये बात छोटे बाबू, छोटे बाबू मत जाओ, तुम अकेले हो, वो चार हैं। तो क्या हुआ? पतंग कट जाए रे,
ये देखो, और माँ शंकर भैया ने जान भैया ने ये क्या शैतान कहीं के सबके सब कभी ठीक भी होंगे। नमस्ते बेटा। आदाब बोलते रहमान चाचा। खुश रहो बेटा। गुड मॉर्निंग रहमान चाचा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तीन लड़के तीन तरह के, लेकिन माँ हम एक हैं। हाँ भैया, हम एक हैं। हाँ मिट्टू, हम एक हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। शंकर बेटा, यहाँ आओ। अजय जो प्रसाद। काहे का प्रसाद चावेली? अब तुम्हें मालूम है बेटा, आज छोटे बाबू वकील बनकर आए हैं। अरे ये देखो बाबू मेघराज उर्फ छोटे बाबू बी पनीर। ओह, बड़ी खुशी की बात है। नमस्ते बड़े बाबू। चौबे जी लाइए प्रसाद दीजिए। हाँ हाँ दो बेटा। मुझे जानते हो तुम, हमारे बड़े बाबू के परम मित्र देश रत्न कर्णेश्वर से आए हैं। ओ आप ही हैं, कौन नहीं जानता आपको, आज दर्शन भी हो गए। राधा कुमार मोरा नाम रे कभी वहाँ भी, गेंदा कुमार मोरा नाम रे
कभी वो गाना बोले कभी वहाँ भी कभी वहाँ गया ना कभी वहाँ जाना सावरे ओ नदिया के धारे वो गाना बोले ओ गाना बोले अपनी भेंट लाओ बद्दू ठाकुर तुम ही चलो ये सब किस लिए सर आपके स्वागत में ओ इसकी क्या जरूरत थी पहचाना हुजूर आप काहे को पहचानेंगे हुजूर वो दिन भूल गए जब हमारे खेतों में घोड़ा दौड़ाया करते थे छोटे बाबू आपने बद्दू ठाकुर ओ बद्दू ठाकुर जी और ये राम खिलावन 25 बीघे जमीन है इनकी अरे मेरी क्या आप ही की है छोटे बाबू ये रनिया मानी ठाकुर जीवन सिंह की देवा 50 बीघे जमीन है इनकी बस 5 अरे मामी कम से कम 50 तो लाना था मौका आने दीजिए गुमास्ता जी 5 क्या 50 दूंगी भाई बहादुर तुम क्यों खड़े हो चलो ना आता हूँ गुमास्ता जी जय हो छोटे बाबू की बस फूलों का हार अरे कुछ खनखनाहट भी होनी चाहिए खनखनाहट खनखनाहट सुनने के लिए तो बरसों से मेरे कान तरस रहे हैं गुमास्ता जी बेटी की शादी बाप की बदली करिए अपनी गीता जो कुछ लाया वो दे डाल लाता क्या गरीब की दुआएं हैं उन्हें अपने पास ही रख अरे ये तावीज दे डाल नहीं नहीं ये तो मेरी माँ की दी हुई निशानी है अरे माँ के बच्चे ये भी तो तेरे बाप है गुमास्ता जी क्या आप दिखाता है आप ही के स्वागत में खून की बलि खेली जा रही थी देश रत्न श्यामा चरण की लड़की गांव में आई है ना विश्वास कीजिए मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ माफ कीजिए शंकर तुमको यहाँ किसने बुलाया था गरीब की पुकार नहीं चलो बहादुर मुझे तुम लोगों पर तरस आता है तुम्हारे एक भाई पर इन अमीरों की लाठियां बरस रही थी और तुम घर देख रहे थे धिक्कार है और तुम पर भी सब मजाक कर दिया बदमाश ने चलो विद्या नहीं मुझे उनसे माफी मांग लेने दी बहादुर भैया चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं डॉक्टर जॉन दवा लगा देंगे अरे नहीं भैया हल्दी चूना लगा लूंगा
दो रोज में ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें भी जख्म हो गया? मेरी फिक्र ना करो बहादुर, जाओ घर जाओ। शंकर भैया, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो न जाने मेरा क्या हाल होता। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भैया, जयराम जी। जयराम जी। सुनिए, माफ कीजिए, मेरे हाथ से आपके सर पर चोट लग गई। ये भी कोई चोट है? आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है, कितना आसान है ये कह डालना। अगर आपके दिल में उस किसान के लिए कुछ भी हमदर्दी होती तो मुझे यकीन है ये बात बिल्कुल न बढ़ पाती। खैर, भूल जाइए, हिंदुस्तान के गांव में ऐसे वाक्यात रोज हुआ करते हैं। आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? जी। क्या? लेकिन अब न कहूंगी। क्यों? आप मुझे गलत समझ बैठे हैं। आपका वहां उस तरह आना, उस गरीब किसान को बचाना, मैंने सोचा मेरे विचार का एक इंसान तो मिला मुझे। आखिर मैं भी तो वही कर रही थी जो आपने किया, मैं भी तो उस किसान को बचा रही थी। बिना समझे बुझे जो मन में आया कह डाला आपने। इतना तो सोचना चाहिए था कि देश रत्न श्यामाचरण की लड़की अपने पिता के नाम को कभी कलंकित कितना करेगी। मुझे बेहद अफसोस है। मुझे बेहद अफसोस है। कितना आसान है कह देना, अरे खून बहुत निकल रहा है, बैठ जाइए, मैं आपके सर पर कुछ बांध दूं। साड़ी ना फाड़िए, रुमाल हाजिर है। कहाँ रहते हैं आप? छोटे बाबू की हवेली के सामने। ओ, तो आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं भी वहीं ठहरी हुई हूँ। शहर छोड़कर गांव में कैसे आना हुआ? कॉलेज बंद हो गया है, सोचा गांव का जीवन देखूंगी। बड़े बाबू पिताजी के अच्छे दोस्त हैं, यहीं चली आई। अच्छा, तो आप उनकी मेहमान हैं? जी, मुझे नहीं मालूम था ये लोग ऐसे हैं। मैं कल ही वापस चले जाऊंगी। ऐसा ना कीजिए, आप गांव का जीवन देखने आई हैं, देख कर जाइए। अगर यही गांव का जीवन है तो मुझसे नहीं देखा जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो आपने बुराइयां देखी, अच्छाइयां नहीं। आइए मेरे साथ आइए, यह है हमारा गांव का जीवन। वो लहलहाते हुए खेत, वो रहट, वो बैल, हमारे मेहनती किसान। तो आप यहाँ के जमींदार हैं? हूँ तो किसान, लोग जमींदार कहते हैं। मेरी माँ का कहना है कि जमींदार खेतों के रखवाले होते हैं, असली मालिक तो वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके मिट्टी से सोना निकालते हैं। कितने अच्छे विचार हैं आपकी माँ के, मैं उनके दर्शन करना चाहूंगी। आप जब चाहें आ सकती हैं, घर आपका है। धन्यवाद। मालूम होता है आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक। जी, आइए आपकी एक तस्वीर उतार लूं। मेरी? लीजिए। आप तो इस वक्त ठीक ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई सैनिक लड़ाई से जख्मी होकर आया हो। रेडी? और आप इस वक्त ऐसी दिख रही हैं जैसे कोई शहर का चलता फिरता फोटोग्राफर गांव में आ गया हो। एक मैं भी फोटोग्राफर की फोटो खींच लूं, वहां से खींचे तो अच्छा रहेगा। तैयार हो जाइए, बहुत अच्छा आया होगा। ये आपका कैमरा है, देखने कब मिलेगी? कल, मैं अपने साथ लेकर आऊंगी। अच्छा, तो आप जा रही हैं? जी हाँ, मुझे देर हो रही है। छोटे बाबू इंतजार। सिंह मार दिया। हाँ शंकर भैया, अरे सर पे पट्टी क्यों बांध दी तुमने? डाल लगी सर पर जान। ओ जरा दवा खाने में आना। हाँ, आइडन वाइडन लगा दूंगा। अरे अरे भैया, ये सर में क्या बात है? पत्थर, जो अपना काम किया जा। अरे ये क्या हुआ शंकर? कुछ नहीं, बात नहीं। अरे बता भी, क्या लड़का है, क्या हुआ शंकर को? कुछ नहीं माँ, जरा चोट लग गई है, ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, जरा दाल लग गई थी सर पर। दाल लग गई थी? नहीं माँ, मैं आयरन वायरन लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। बात ये है, गाय ने सिंग मार दिया था। सिंग मार दिया? नहीं माँ, पत्थर मार दिया। अरे हट, न जाने क्या हो गया। ना जाने मुझे आज क्या हो गया है, ना जाने मुझे ना।
आँखों में फूल का नशा हो गया है, इन आँखों में, इन आँखों में फूल का नशा हो गया है ना, जाने मुझे आज क्या हो गया है। उनके वो बातें प्यारी लेती है चुपके, लेती है चुपके, लेती है चुपके दिल में, उनके वो बातें प्यारी लेती है चुपके दिल में, जान है पड़ गई मेरी, जान है पड़ गई मेरी, मीठी से एक मुश्किल में, मीठे से एक मुश्किल में, बताए मुझे हो, बताए मुझे कोई क्या हो गया है ना, जाने मुझे ना, जाने मुझे आज क्या हो गया है, आज क्या हो गया है, आज क्या हो गया है। हाथी से घर क्या है? वो आई है। कौन? कोई विद्या देवी। विद्या देवी? देखिए मैं आपकी तस्वीर लाई हूँ। मैं यहाँ हूँ। नमस्ते। हम एक हैं। एक हैं। ये हैं आप और ये हूँ मैं। हम एक हैं। भैया क्या है? कुछ नहीं, वो आए हैं। कौन? जैसे भैया आप जान दी। प्लीज टेक इट सीट मैडम। तशरीफ रखिए। बैठिए। ये है हमारे रंग बिरंगे भाई। आप हैं मिस्टर डॉक्टर जॉन, मरीजों के मसीहा। आप हैं मियां यूसुफ, शिकार के शौकीन। और आप हैं विद्या देवी, चलती फिरती फोटोग्राफ। भैया मैं तो रही थी। और ये है दुर्गा भवन जी, आपकी बहन। हम एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। क्या बात है दुर्गा? फिर वही बात। कौन आया है शंकर? विद्या देवी आई है माँ, बाबू श्यामाचरण की लड़की, तुम्हारी माँ। नमस्ते। नमस्ते। हमारा घर भी एक अजीब घर है, तुम्हें शायद ही पसंद आए। ऐसा न कहिए, आपका घर तो एक तीर्थ है जिसमें मंदिर मस्जिद और गिरजा है। कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। बैठो बैठो, मैं अभी आई। दुर्गा इनके लिए मिठाई ला। अभी लाई। लेकिन मेरे हाथ का छुआ खाएंगे आप? वो बोली, वो बोली कोयलिया पुकार के। क्यों भैया, क्या बात है? आज बुले नहीं समा रहे? चुप है। मैं सब समझती हूँ। क्या? अभी अभी तू विद्या देवी के साथ घूमने गए थे ना? अरे किसी क्या नहीं, किसी से नहीं, ना जाऊँ से और ना जूसे से। और माँ से? माँ से भी नहीं। गॉड, कोई आएगा तो माँ को मालूम हो जाएगा। अच्छा ही तो होगा, हमारी मैरिज हो जाएगी। मेरी मैरिज हो जाएगी, लेकिन हमारी शामत आएगी। जाओ जाओ डार्लिंग, प्लीज लेमन जूस। थैंक यू। नो मेंशन। सॉरी, माय अम्ब्रेला। ओह, हियर इट इज मैडम।
कुछ ज्यादा बुखार नहीं है? अभी अभी उतर गया। क्या है दुर्गा? माँ के लिए खांसी की दवा। वो रखी है। दुर्गा, दुर्गा दीदी, अच्छा सुनो तो। क्या है? देख, किसी से कहना नहीं। क्या तम जी, यही के डार्लिंग डाली तुम्हारे पास दवा लेने आती है? मैं शंकर से और न यूसुफ से। और माँ से? अरे मैं ऐसे भी नहीं। दुर्गा, ए दुर्गा। क्या है बा? जरा यहाँ तो आओ। अभी आई। अरे वो मेरी रेशमी शेरवानी कहाँ रखी है? अभी बताती हूँ, अभी ले आती हूँ। जल्दी कर। ओ, रेशमी शेरवानी। हाँ। किसी खास जगह जाने का इरादा है? अरे मैं सब समझती हूँ। क्या समझती है? बता दो। बता दो। यूसुफ भैया मेरे लिए भाभी लाने की तैयार। पत्नी, कोई सुन लेगा पगली? कोई नहीं। देख दुर्गा, किसी से कहना नहीं है। न शंकर से, न जॉन से। और माँ से? माँ से कह देना। अच्छा। नहीं, अरे माँ से भी नहीं। वाले गलियों में आ जा, एक बार गलियों में आ जा, आ जा गलियों में आ जा। जीमन से चुपके चुपके, चोरी से चुपके चुपके, जीमन से चुपके चुपके, चोरी से चुपके चुपके, करती हूँ तेरा इंतजार, करती हूँ तेरा तेरा, करती हूँ तेरा इंतजार। सपनों में आने वाले, सपनों में आने वाले, गलियों में आ जा, एक बार गलियों में आ जा, आ जा गलियों में आ जा। आधा बज रमजानी। कहो, हम कुछ खेल के शिकार में कब ले चलोगे? जरा और तकड़े हो जाओ रमजानी, रोज दूध तो पीते हो ना? हाँ भैया, रोज देर दिखता ही है। एक काम करना है रमजानी। क्या? जरा शोर गुल मचाना। जरूर मचाऊंगा, जितना आप गए। अच्छा तो देख, पहले मैं तुम्हारे साथ मारपीट करता हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अभी सचमुच का नहीं, झूठ मूठ। माफ करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, माफ करो, मुझे बचाओ। क्यों बे, चोरी चोरी करता है? क्या बात है? चोर है साहब, चोर। अमीर मियां की मुर्गी चुरा कर भाग रहा था। क्यों बे, चोरी करता है? नहीं नहीं, आप छोड़ दीजिए, मैं से निपट लूंगा। क्यों बे, चोरी की तूने? चोरी करता है? चोरी करता है? अरे क्या बात है जी, आपकी मुर्गी चुरा कर भाग रहा था, वो तो अच्छा हुआ मैंने पकड़ लिया, वरना अबे मैं क्या करता है। जा, बेगम साहब ने तुझे माफ कर दिया। अरे जा। क्यों बेगम साहबा, आपने इसे माफ कर दिया ना? हाँ, और आपको भी। मुझे मुझे किस गुनाह की माफी मिली है? ये अभी मुर्गी चुरा कर भाग रहा था और आपका जात मेरी आंखों की नींद चुरा कर भाग गए थे। ओ, तो गोया मैं चोर हूँ? हाँ, बहुत बड़े चोर। सजा देने वाले, कुछ ऐसी सजा दो
कि दिन रात तुम ही को देखा कर रहे हो। बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले जनाब, आपको कुछ हम ही जानते हैं। माशाल्लाह, जरा मुकर्रर फरमाइए। नरगिस, बेटा नरगिस। अब क्या होगा, आई अब्बा जान, कहीं छुप जाओ। काजी साहब, मैं यूसुफ के बारे में अर्ज कर रहा था। क्या है अब्बा जान? अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? आप ही ने तो बुलाया था। हाँ हाँ, जा काजी साहब के लिए पान वान ला। अभी लाई। मेरा ख्याल है आप बात तय कर दीजिए। अच्छी बात है। मेरी नजर में नरगिस के लिए यूसुफ से अच्छा कोई लड़का नहीं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हाय हाय अजी जनाब, आप सोचते ही रहेंगे और लड़का हाथ से निकल जाएगा। ऐसा कौन नहीं चाहेगा उस घर में अपनी लड़की देना। और उसकी माँ जितनी भी तारीफ की जाए अजी कम है, बड़ी दरिया दिल औरत है। मालूम है मुझे मालूम। क्या हौसला पाया है उसने, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। वाह वाह। मैं कहता हूँ अमीर मियाँ, आप आज ही चले जाइए उसके पास। आज ही चले जाऊँ? आज ही चले जाइए, अभी इसी वक्त। अच्छी बात है, अभी जाता हूँ। अब्बा जान, ये लीजिए कपड़े। कपड़े? हाँ, आप कहीं बाहर जाने वाले थे ना। और ये लीजिए पान। बड़ी शरीर लड़की है, लीजिए खाइए। शुक्रिया। नरगिस, तुम जरा घर देखना। अच्छा अब्बा जान। अरे कहाँ चले? अब्बा जान, आजकल मुर्गियों की चोरी बहुत हो रही है। मैं पीछे का दरवाजा बंद कर रहा हूँ। ओ, तुम हो। बस बहुत बोल चुके, अब बाहर निकल आओ। कहीं तुम्हारे अब्बा जान बाहर ना आ जाए। नहीं, वो तुम्हारी यहाँ गए हैं। क्यों? डरो नहीं, शिकायत करने नहीं गए। तो फिर हमारी शादी की बात तय करने की। अभी कौन है? ये है यूसुफ भैया, खड़े खड़े सब बातें सुन रहे हैं। बड़े शैतान है ये बच्चे, बेचारी नरगिस को बहुत परेशान करेंगे। वो भी कुछ कम शैतान नहीं है। अच्छा तो इजाजत दीजिए। काजी साहब मिलकर तारीख तय कर दीजिए। अच्छा। और रहमान चाचा, हमें भी तो अपनी तैयारियां शुरू करनी चाहिए, यूसुफ की शादी बहुत धूमधाम से करनी होगी। जरूर जरूर। आदाब। सुना तुमने, यूसुफ दुल्हन ला रहा है, तुम्हारी बहू आ रही है। आज मैं कितनी खुश हूं, ईश्वर करे एक दिन हमारी तीन बहुएं हमसे आशीर्वाद लेने आए। कब आएगा वो दिन? बहुत जल्द माँ, बहुत जल्द। मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती है तुम? देखो माँ, किसी से कहना नहीं, न जान भैया से न शंकर भैया से, उन दोनों ने भी तुम्हारे लिए बहुएं ठीक कर ली। क्या कहती है? हाँ माँ, एक है विद्या। विद्या समझी, और दूसरी है डार्लिंग डॉली। डार्लिंग डॉली? हाँ वही डॉली, मेरी की लड़की जो रोज जान भैया के पास दवा लेने आती है। ओह, लेकिन माँ ये तुम नहीं नहीं, मैं कल ही जाकर मेरी से मिलूंगी। हाँ कल ही सब कुछ तय कर लेना, ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। बड़ी सियानी हो गई मेरी नानी। तो चौबे जी, क्या ख्याल है आपका? धन्य है धन्य है। इसमें ख्याल कैसा? धन्य है श्यामाचरण, और धन्य है आपकी सुपुत्री का भाव, जो छोटे बाबू जैसा वर मिल रहा है। राम है राम। क्या जोड़ी मिली है राम और सीता की। धन्य है धन्य है। बहुत हुआ है चौबे जी, बहुत हुआ। अब जल्द से मुहूर्त निकालिए। इतनी जल्दी क्या है बड़े बाबू? अच्छा, मैं इस बारे में विद्या का भी मन जान लूं। विद्या का मन क्या जानना है श्यामा बाबू? बच्चों का भला बुरा जितना उनके माँ बाप सोच सकते हैं उतना वो नहीं। चौबे जी आप मुहूर्त देखिए। दिखा हुआ है बड़े बाबू, आप ही लीजिए। रवि, शुक्र और गुरु। धन्य है धन्य है।
चौबे जी, कब का मुहूर्त निकलता है? पंचमी का मुहूर्त है। कब है पंचमी? चतुर्थी के बाद पंचमी, 5 दिन है। बड़े बाबू, अब तो प्राप्ति हो जाए, पंचमी का मुहूर्त निकाला है। मनसुख, हाथ नीचे करो, चौबे जी को 5 रुपए दे दो। अच्छा है हुजूर, चलिए चौबे जी। धन्य है, चौबे जी को रुपयों की पड़ी है। धन्य है, धन्य है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। मालूम होता है कहीं से प्राप्ति हुई है चौबे जी। प्राप्ति ही प्राप्ति है बेटी, छोटे बाबू को पत्नी की प्राप्ति, चौबे जी को पैसों की प्राप्ति, और तुम्हारे यहाँ से कब प्राप्ति होने वाली है बेटी? हमारे यहाँ से भी प्राप्ति होने वाली है चौबे जी, माँ अभी गई है जान भैया की शादी तय करने। वो प्राप्ति पादरी को होगी, धन्य है, धन्य है। चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, छोटे बाबू की शादी किससे हो रही है? देश रत्न बाबू श्यामाचरण की सुपुत्री विद्या कुमारी के साथ। पंचमी का मुहूर्त है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। हाँ चाचा, तुमने क्या पूछा? तुम अपने शादियों में मुझे क्या दोगे? मैं? चाचा, मैं तुम्हें शेर के शिकार में साथ ले चलूंगा। रहमान चाचा, मैं तुम्हें खांसी की ऐसी अच्छी दवा दूंगा कि 1 मिनट में आराम। अब शंकर भैया, तुम क्या दोगे? मैं? ये चाचा दुर्गा से पूछ लो। दुर्गा देवी। शंकर भैया सुनो तो। क्या बात है दुर्गा? तुमने सुना, विद्या की शादी छोटे बाबू से हो रही है। छोटे बाबू से हो रही? क्या बात है शंकर? विद्या की शादी छोटे बाबू से हो रही? किसने कहा? अभी चौबे जी मिले थे, पंचमी का मुहूर्त है। रामा चाचा, कहाँ गए सब के सब? अब क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है, तुम सब चुप क्यों हो? मैं शादी नहीं करूँगा माँ। शादी नहीं करोगे? और डाली क्या करेगी? माँ, मैं भी शादी नहीं करूँगा। तुम भी शादी नहीं करोगे? पागल हो गए हो सबके सब? क्या बात है दुर्गा, विद्या की शादी छोटे बाबू से होने वाली है। ओ, इसलिए लोग शादी नहीं करना चाहते? शंकर की भी शादी हो जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छा, तो आप खत लिख रही थी? जी हाँ। मिस विद्या, मैं आपसे ये कहने आया था, खैर आपको तो सब बातों का पता लग ही गया होगा, हम दोनों बहुत जल्द। मैं जानती हूँ। अरे आप तो रो रहे हैं, आज तो आपको खुश होना चाहिए। देखिए ना, मैं कितना खुश हूँ। विद्या, ओह, छोटे बाबू भी यही है? क्या सलाह कर रहे थे तुम दोनों? बैठो बैठो, माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे तुम रो रहे हो? विद्या, विद्या बेटी, बताओ क्या होगा, बताओ। सूझ नहीं है पिताजी। धन्य है, धन्य है, धन्य है। आइए श्यामाचरण जी, आइए पधारिए, आइए आइए पधारिए। धन्य है, धन्य है। ये देखिए श्यामा बाबू, धन्य है, धन्य है। शादी की तैयारियां चल रही हैं, मैं आपको बुलाने वाला ही था ये दिखाने के लिए। मैं भी आपसे इसी सिलसिले में कुछ बातें करने आया हूँ, आप चिंता न कीजिए, जो आप कहेंगे मैं सब मानूंगा। आशा तो यही है। आशा क्यों श्यामा बाबू, विश्वास कीजिए, बड़े बाबू पीछे हटने वाले आदमी नहीं है, आप कहे और ये मैं माने। धन्य है, धन्य है। फिर भी संकोच न कीजिए, कह डालिए। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि जल्दी न कीजिए, अच्छा हो विद्या का मन भी जान लिया जाए। क्या कहती है विद्या? क्या कहती है बेटी?
चौबे जी जरा बाहर तो जाइए। धन्य है धन्य है। किस मामले में उसे पूरी आजादी दे दी जाए? क्यों नहीं, आप ही बताइए। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यही जो आप कर रहे हैं। बुरा न मानिए, मैं अपनी इकलौती लड़की के लिए कुछ स्वार्थी हो गया हूं। अगर उसकी मां जिंदा होती तो शायद मुझे ये परेशानी न उठानी पड़ती। अच्छा, बाबूजी, वो कपड़े वाला शाम को आ रहा है कुछ नए नमूने लेकर। उससे कह दो वो ना आए। क्यों बाबूजी? तुम्हारी शादी विद्या से नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो सकता है बाबूजी, हमने तो शादी की पूरी पूरी तैयारियां कर ली है। शादी की तैयारियों से क्या होता है बेटा, लड़की को तो तैयार होना चाहिए। विद्या तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी, विद्या मुझसे शादी करना नहीं चाहती? मैं अभी अभी उससे मिलकर के आ रहा हूँ बाबूजी। शादी मुझसे होगी और जरूर होगी, मुझे 100% उम्मीद है। तुम यही ख्वाब देखते रहो, वो शंकर को जयमाला पहना चुके हैं। शंकर को? समझ गया, ये सारी करतूत इन पड़ोसियों की है। वो रोज उनके यहाँ जाया करती थी, पता नहीं क्या क्या कहा होगा उन लोगों ने। खैर, देख लूंगा शंकर को और उनके हिमायती भाइयों को। एक एक को नाकों से चबा दूं तो मेरा नाम छोटे बाबू नहीं, गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा उन लोगों का। क्या है चाचा? वो श्यामा चरण आए हैं माँ से मिलने, जरा बुलाओ तो बेटी। बहुत अच्छा चाचा। चलिए चलिए, आप तशरीफ रखिए। लीजिए आ गई माँ। नमस्ते। नमस्ते। अहोभाग्य आप जैसे देशरत्न हमारे यहाँ पधारे हैं। ऐसा न कहिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बैठिए दुर्गा, जरा जलपान के लिए कुछ ला। विद्या नहीं आई? बड़ी नेक लड़की है, शंकर उसकी बहुत तारीफ करता है। वो भी शंकर की बहुत तारीफ करती है। मुझे सब कुछ पता है। हाँ तो लाए नहीं आप उसे अपने साथ? ऐसे कैसे लाता, दूली लेकर शंकर को भेजना पड़ेगा उसे लाने के लिए। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन बड़े बाबू क्या सोचेंगे? उनकी चिंता आप न कीजिए, हमें अपने बच्चों का सुख देखना है। आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शंकर के लिए छोटे बाबू को दुखी होना पड़े। तो आप ये चाहती हैं कि मेरी लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे? ऐसा न कहिए। तो फिर तय रहा। जो भगवान की इच्छा। भैया भैया भैया, श्यामा बाबू आए हैं, शुभ संदेशा लाए हैं। क्या क्या क्या? मेरी आएंगी तीन भाभियाँ, एक बिंदिया झुमके वाली, एक चांद सितारे वाली, एक प्रेम कहानी वाली। मेरी आएंगी तीन भाभियाँ। तीन भाभियाँ, तीन नदियाँ प्यारे नदियाँ।
अरे भैया से मुझको मंगा दो कड़े हीरे चले हाँ मोती जड़े हीरे चले हाँ मोती जड़े ये दिन नदिया प्यारे नदिया ये दिन नदिया प्यारे नदिया नदिया प्यारे नदिया दिन नदिया प्यारे नदिया अपने भैया से हमको मंगा दो न पार अपने भैया से हमको मंगा दो न पार छुपा कर करो कि क्या अपना शबाब छुपा कर करो कि क्या अपना शबाब ये दिन नदिया प्यारे नदिया ये दिन नदिया प्यारे नदिया नदिया प्यारे नदिया दीदी नदिया प्यारे नदिया अपने ब्रदर से हमको ब्रदर से हमको मेरी आई है ओ मेरी आई है तीन भाभियाँ मेरी देखा रे मैं चाचा बिल्ली बाहर के चूहों का राज हम एक है छोटे बाबू हम एक है छोटे बाबू अरे शंकर भैया इधर आओ ना मनसुख मामा आओ ना इधर लो भाई तुम लोगों के लिए तोहफे संभालो इनको अच्छा ये बताओ छोटे बाबू कि मेरे लिए क्या लाए हो पेटन दवाइयां मेरे लिए क्या लाए हो कार्टून और भाई तुम्हारे लिए हाथी घोड़े छोटे बाबू ये चांद यहाँ कैसे निकला रहमान चाचा बीती बातों को भूल जाओ जो भाग में लिखा है उसको कोई नहीं मेर सकता अच्छा हम एक हैं हम एक हमें कहते तो बाबू हमें कहीं छोटे इतनी बड़ी हो गई अभी तक बाल संवारना नहीं आया कल ब्याह हो जाएगा फिर कौन करते बैठे भाई तेरी सास ऐसा कहोगी तो हम भाग जाएंगे कहाँ भाग जाएंगे और कहाँ सास के यहाँ माँ मुझे कल शहर जाना होगा क्यों श्यामा बाबू की तबीयत ठीक नहीं ये खत आया है विद्या को बुला भेजा तुम्हें जाना ही चाहिए जाओ तैयारियां करो सुखी रहो बेटी शंकर ने आज तक कभी घर नहीं छोड़ा अपने ही घर तो जा रहे हैं माँ हाँ हाँ देखो तुम्हें मालूम है उसे चाय पसंद नहीं और खाने के बाद उसको कुछ न कुछ खाने को जरूर चाहिए हाँ भाभी और वो भी अब तुम्हारे हाथ से खाने की आदत पड़ गई है ना भैया अच्छा जल्दी आना बहुत जल्द मैं वहां रहूंगी लेकिन मेरा मन तो यहाँ लगा रहेगा डाली और नरगिस बहन को छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता और दुर्गा दीदी तो मुझे रोज सपने में दिखाई देगी अपनी भाभी के लिए रोती हुई है ना भाभी अच्छा तुम चले पूरी नजर रखूंगा हाँ ठीक है चलो 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 बेटा चलो बेटा गरीबी भी बहुत बुरी चीज है जॉन अगर इन गरीब किसानों को तुम्हारी दवा का आसरा न मिले तो बेचारों का बुरा हाल हो क्या कहा छोटे बाबू यही कि इस तरह के हजारों किसान हमारे आसपास के गांव में रोज मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि बेचारे इलाज नहीं करा हाँ हाँ ठीक कहते हो इसीलिए तो ये टूटा फूटा दवाखाना खोल रखा है लेकिन तुम चाहो कि टूटा फूटा दवाखाना भी एक बहुत बड़ा अस्पताल बन सकता है क्या कहा अस्पताल बन सकता है हाँ हाँ क्यों नहीं इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता और फिर तुम जैसे दरियादिल माँ के बेटे के लिए शंकर के भाई के लिए जॉन के लिए सब कुछ हो सकता है जान क्या नहीं है तुम्हारे पास दिल है दौलत है सब कुछ है लेकिन इसके लिए शंकर भैया को तैयार करना पड़ेगा तैयार करना पड़ेगा अरे शंकर भैया भी कोई पत्थर के देवता हैं, जिनके लिए फूल पान चढ़ाना पड़ेगा एक चिट्ठी से काम बन जाएगा लो लिखो
हम बोलते जाते हैं। जान, एक दिन तुम देखोगे एक बड़ा अस्पताल बना हुआ है, हजारों मरीज तुम्हारे सामने हाथ पसारे हुए खड़े हैं। तुम उन्हें दवा दोगे, वो तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हारे भाइयों को दुआ देंगे, तुम्हारी मां को दुआ देंगे। लिखो लिखो छोटे बाबू, लिखो लिखो। इंजीनियर साहब, आइए इंजीनियर साहब। नंजनी नहीं, इंजीनियर बोलो। बहुत अच्छा इंजीनियर साहब, छोटे बाबू ने आपको बुलाया। क्यों? एक नया शिकार फंसा है। अच्छा? हाँ, छोटे बाबू ने जान को एक नया हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार किया है। तो उनसे जाके तुम कह दो कि मैं शाम को मिलूंगा। बहुत अच्छा। पर इंजीनियर साहब, गरीब का ख्याल रखिए। तुम जाओ, हम देख लेंगे। बहुत। हाँ तो इंजीनियर साहब जी, आप तो मेरा मतलब समझ गए। तो फिक्र रहिए साहब। हाँ देखिए, अस्पताल का मामला ठहरा, एक बार जब उसने शुरू किया तो आखिर उसको खत्म ही करना पड़ेगा। बात है छोटे बाबू, एक दफा किसी ने मेरे हाथ में यू नो कब्जे में आ गया तो उसका निकलना ही मुश्किल है। ये तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए तो आपको मैंने बुलाया है। ओहो, थैंक यू। एक बात का ध्यान रखना, बोलो। जो कुछ मिले उसमें आधा साझा। ओह, दैट्स ऑल राइट, आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट, ऑल राइट। 50-50। ऑल राइट, आपकी स्टिक। ओह, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे भाभी, नमस्ते। क्या लिखा दुर्गा ने? घर में सब कुशल है, जान भैया के अस्पताल का काम जोरों से चल रहा है। और कुछ? रहमान चाचा माँ से कहते थे कि किसान ईसा लगा नहीं दे सकेंगे। माँ परेशान है कि यहाँ जान भैया का अस्पताल बन रहा है। जान, 5,000 की जरूरत और पड़ेगी। बहुत अच्छा, अभी मैं मंगवाता हूँ। किसका तार है? जॉन का। जॉन का? क्या लिखा है? 5,000 की इजाजत और मांगी है। दे दीजिए ना, अस्पताल पूरा हो जाएगा। हाँ, बारिश के पहले काम खत्म होना चाहिए। बारिश के दिन करीब आ रहे हैं मिस्टर जान, आदमी तुगने चौगुने करने होंगे, नहीं तो ये बड़ी बना इमारत बैठ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि बारिश आने से पहले ही ये काम खत्म हो जाए। तो कर दीजिए इंजीनियर साहब। लेकिन आपने तो कहा था कि इतनी आदमियों से काम चल जाएगा और इमारत भी बारिश के पहले तैयार हो जाएगी। मैंने कहा जरूर था मिस्टर जान, लेकिन आप जानते हैं ये काम मशीन का नहीं आदमियों का है। आदमियों का अगर आदमी काम पूरा नहीं कर सके तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या किया जाए? 5,000 की जरूरत और पड़ेगी। 5,000? जी 5,000। 5,000 बहुत बड़ी रकम होती है इंजीनियर साहब। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। आप कहें तो काम बंद कर दिया जाए। क्या कहा? काम बंद कर दिया जाए? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, काम चलना ही चाहिए, तो रुपयों का इंतजाम भी होना चाहिए। पड़े हो जान। छोटे बाबू देखो, मैंने कहा था ना कि काम बहुत धीरे चल रहा है। इंजीनियर साहब कहते हैं आदमी और बढ़ाने चाहिए, तो बढ़ा लो। लेकिन रुपयों का सवाल है, 5,000 की इजाजत मिली है, अब और शंकर भैया से कैसे मांगू? 5,000 की इजाजत मिली है जैसे कोई सरकारी बजट हो। अरे ये तो घर की बात है, 5 की जगह 10, तुम कहो तो मैं कह दूं शंकर से। तुम कैसे कहोगे? देखो मैं कल अपने एक केस से शहर जा रहा हूँ, वहाँ शंकर से मिल लूंगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस सच भैया, अभी तक मैं कोई केस नहीं हारा, और तुम्हारे मामले की उसकी तो मैं पूरी पूरी पैरवी करूंगा। अभी चले जाओ छोटे बाबू। तुम नहीं जानते कि जब से इंजीनियर साहब ने ये बात कही है मेरा दिल धड़कने लगा है, करे ऐसा ना हो कि मेरा सारा सपना मिट्टी में मिल जाए। तुम्हारा सपना मेरा सपना है जान, मैं आज ही जाता हूँ। गुड, दैट्स गुड जान। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि जान के अस्पताल का काम बंद करना पड़ेगा। क्यों? अगर किसान लगान नहीं देंगे तो रुपया कहाँ से आएगा? शंकर भैया, हम एक हैं शंकर भैया। ओ छोटे बाबू आओ बैठो। धोबी कब आए? भाई अभी अभी चला रहा हूँ गांव से। छोटे बाबू, माँ कैसी है? अच्छी है। और दुर्गा दीदी, दादी बहन, नरगिस बहन सब कुछ पूछे ले रही हो, पहले चावल तो पिलाओ। अभी लाई। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो।
तुम तो जानते ही हो, यहाँ श्यामा बाबू की तबीयत ठीक नहीं, वहाँ जान ने अस्पताल की मुसीबत नोले रखी है। क्या बताएं भाई, इसी अस्पताल के विषय में तो मैं भी कुछ कहने आया हूँ। क्या? देखो 5,000 और मांगा है। फिर 5,000? हाँ। शंकर भैया, मेरी तो समझ में नहीं आता कि अस्पताल बन रहा है या अजायब घर। 5,000 तो अभी इमारत बनाने में लग जाएंगे, बाकी फर्नीचर और दवाइयों का खर्च तो बिल्कुल ही अलग रहा। देखो फिलहाल ये काम बंद कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। बंद कर दो? हाँ। क्यों आप लोग चुप क्यों हो गए? हाँ ठीक है, तुम जान से जाकर कह दो कि अस्पताल का काम बंद कर दिया जाए। हुँ? ना बाबा, ये रोग मेरे बस का नहीं। भाई भाई का मामला ठहरा। शंकर भैया, ये मनमुटाव पैदा करने का काम मेरे जिम्मे न सौंपो, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं बंद करा देते? क्यों भाभी? वकील साहब, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओह शुक्रिया। छोटे बाबू ठीक कहते हैं, भाई भाई का मामला है, आप इन्हें क्यों सौंप रहे हैं? आप खुद गांव जाकर सब ठीक कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। तुम ही चलोगी ना? जी, अब तो बाबूजी की तबीयत भी ठीक हो गई। मेरे साथ है शंकर बाबू आ गए। हेलो मिस्टर शंकर, बहुत खुशी आपसे मिलकर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सिगार? शुक्रिया। थैंक यू। जॉन कहाँ है? जहाँ यहीं कहीं भी होगा। ये देखिए, ये कमरा है जहाँ सैकड़ों मरीज हो सकते हैं, और वो बाजू जो इमारत बन चुकी है वहाँ पहले नर्सेस क्वार्टर्स है, उसके ऊपर रिसर्च लेबोरेटरी है, उसके ऊपर मैं सब कुछ देख चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ। आपने कुछ नहीं देखा मिस्टर शंकर, आपको ताज्जुब होगा मैंने कितने कम खर्च में कितनी बड़ी इमारत देखते नहीं है। साहिब खड़े हैं और साथ मैं भी हूँ, ख्याल रखे काम करो। मैं आपसे अर्ज कर सकता हूँ इंजीनियर साहब? हाँ हाँ जरूर, आप हुक्म दे सकते हैं। मेहरबानी करके थोड़े दिनों के लिए अस्पताल का काम बंद कर दी। बंद कर दो? यहाँ ऐसी वक्त बंद कर दीजिए, आपकी मर्जी। बंद करो काम, प्लीज स्टॉप इट, बंद करो काम, काम बंद करो, काम बंद करो, बंद करो काम, काम बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दो काम, काम बंद कर दो। क्यों बड़े भैया, काम क्यों बंद कर दिया? बंद करो, मालूम होता है शंकर भैया ने काम बंद कर दिया। बंद करो काम, काम बंद कर दो। शंकर भैया, काम क्यों बंद कर दिया तुमने? मैं तुमसे घर में बात करूंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भैया, एक बार काम शुरू किया तो पूरा करना ही पड़ेगा उसे। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं मतलब? बड़े साहब आया अस्पताल बनाने दिन पैसों के, तिजोरी की चाबी होती, मुझे रिसर्च रूम चाहिए, ये रूम चाहिए, वो रूम चाहिए। कुछ भी हो शंकर भैया, अभी मैं काम नहीं बंद कर सकता, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं जानता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि शंकर भैया आ गए तुम। ये बंदूक लेकर कहाँ चला? शहर से हमारे लिए कुछ लाए। क्या लाता? क्या लाता? अरे भाई हमारे लिए कुछ कारतूस ले आते, और जॉन भैया के लिए पेटेंट आई है। लाता क्या था यूसुफ, जल्दी जो आना था। चलो खैर ही अच्छा हुआ कि तुम जल्दी चले आए। यहाँ जॉन भैया के अस्पताल की गाड़ी रुकी हुई थी, अब चलने लगेगी। क्यों जाऊं? क्या बात है ना, ये दोनों साथ चुपचाप क्यों बैठे हैं? इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। ओ, समझा, एक तो अपनी जमींदारी के चक्कर में है और ये है अपने अस्पताल के धन में। ना तुम तो कहीं फिक्र में नहीं हो ना? नहीं तो, और अगर कोई फिक्र होगी भी तो हमारी कहानी सुनकर यूं दूर हो जाएगी। दुर्गा तू भी सुन, और आप भी सुनिए। सुनाइए। और आप भी। हाँ माँ, एक दिन की बात है कि रात के वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांदनी छिटकी हुई थी। मैं सर पर बंदूक लिए। सर पर बंदूक रखे? कंधे पर बंदूक लिए जंगल जा पहुंचा, एक पेड़ पर मचान बांधकर बैठ गया। क्या ड्रोनी रात थी माँ, क्या ड्रोनी रात थी। कोयल बोल रहा था, पपीहा कूक रही थी। कोयल बोल रहा था, पपीहा कूक रही थी। सही बात है, कोयल कूक रही थी और पपीहा बोल रहा था। इतने में मां नींद आ गई। ओ
फिर भाभी आंख चुप खुली तो क्या देख, बादल दूर, चांदनी कहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप थी बेगम, इतनी कड़ी धूप थी। शामत का मारा एक भूखा प्यासा शेर वहाँ पहुँचा, बिल्कुल आँखों के सामने माँ, बिल्कुल आँखों के सामने। लेकिन आप चले कहाँ? बिल्कुल आँखों के सामने पानी पी रहा था माँ। अच्छा पानी पी चुका, फिर माँ आँख चुकली, फिर माँ और पाप का नाम लेकर जो निशाना ताना है और कभी गोली आगे, कभी गोली आगे, कभी शेर आगे, कभी गोली, कभी शेर आगे, कभी कभी गोली, कभी शेर, कभी गोली आगे, कभी शेर आगे, कभी गोली आगे, कभी ओहो, न गोली आगे न शेर आगे। अरे आखिर तुम लोगों को हो क्या क्या है, हंसते क्यों नहीं, बता छोड़ो उसको। मुसीबत में कोई कैसे हंसे? मुसीबत? कैसी मुसीबत? जो मैंने पैदा कर दी। हाँ तुमने, तुमने मेरा बड़ा बड़ा अस्पताल बंद कर दिया। अस्पताल बंद कर दिया? क्यों शंकर? बंद करा देता तो क्या करता, एक इसके अस्पताल के लिए सारे घर का बर्बाद होते थोड़ी दे सकता हूँ। और मेरी इज्जत जाते हुए देख सकते हो। अब मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है और पैसे के सामने कोई किसी का नहीं। भैया कुछ नहीं, बचपने में ये कितने समझदार थे, बड़े होकर नासमझ हो गए। ये क्या किया आपने? जान भैया को नाराज क्यों कर दिया? नाराज क्यों कर दिया? आज उसने एक ऐसी बात कह डाली है जो उसे कभी ना कहनी चाहिए। अगर इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे तो एक दिन ये फूट हम लोगों को जरूर ले डूबेगी। आप देखते तो हैं इन्हीं आपस के झगड़ों ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए हैं। तुम चुप रहो विद्या, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं किया आपने, जरा सोचिए तो माँ को कितना दुख होगा जब वो अपने उसी हार को टूटा हुआ पाएंगी जिसमें उन्होंने अपने दिल के लाल परोए हैं। शंकर, अरे ये क्या पागलपन है? मुझसे ऐसा ना कहो माँ, रुपए पैसे का सवाल से जॉन ने पैदा किया था। ठीक है बेटा, लेकिन तुझे भी तो पैसों के लिए अपने भाई से इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। उसका एक शौक था पूरा हो गया। और मैंने कब कहा था कि वो अपना शौक पूरा ना करे, एक की जगह दो अस्पताल बनवा लेता, मगर सोच समझ कर। खैर भूल जाए इन बातों को, उसे जाके मना ले और समझा दे कि तेरा अस्पताल बन जाएगा। ये मुझसे नहीं हो सकता, तुम अपने लाडले बेटे पर सारी पूंजी निवेश कर सकती हो, मैं कुछ नहीं जानता। शंकर मां, ये क्या? तुम्हारे भाभी के जीवर। जी जी, ये क्या किया जॉन तुमने? ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से हटा दो, ऐसा अधर्म मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हें अस्पताल पूरा करना है ना? हाँ। तुम्हें रुपए चाहिए ना? हाँ छोटू बाबू। हाँ तो ठीक है, आओ मेरे साथ। ये रही तिजोरी और ये रही चाबी, निकाल लो जितने रुपए चाहिए, आओ आओ। छोटे बाबू तुम मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। मैं भी तुम्हें यही समझता हूँ जान। जब तक छोटे बाबू जिंदा है तुम्हें रुपए की बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, समझे? लो। लेकिन एक शर्त पर, ये बात हम दोनों के सिवा किसी को मालूम न हो। और किसी को मालूम न होगी छोटे बाबू? जान तुम नहीं जानते हो, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण भाई भाई में फूट पैदा हो और लोग ये समझे कि एक भाई दूसरे भाई की मदद न कर सका। बिल्कुल ठीक, जॉन को बाहर से भीख मांगनी पड़ी। छोटे बाबू यकीन मानो जान चली जाए लेकिन ये बात दूसरे किसी को मालूम न हो। तो बिल्कुल ठीक है, लोए रुपए जितने चाहो उतने ले लो, गिन लो। इंजीनियर साहब देखिए काम जल्दी होना चाहिए। काम जल्दी करो, जल्दी करो काम। छोटे बाबू आखिर उसके पास इतने रुपए आए कहां से?
ताज्जुब है, तुमने नहीं दिए, माँ ने नहीं दिए, तुमने तो नहीं दिए। वाह शंकर भैया, मैं बगैर तुम्हारे पूछे कैसे दे सकता हूँ। हाँ एक बात हो सकती है। क्या? यही कि कहीं से कर्ज ले लिया होगा। कर्ज? कर्ज उसे कौन देगा? कौन नहीं देगा उसे, अरे जमींदार साहब का भाई जो ठहरा। ओ नहीं नहीं, ये बहुत बुरी बात है, मुझे बताना ही चाहिए था उसे। तो जरूर जरूर शंकर भैया, तुम्हें हर बात का पता लगना जरूरी है। अनजाने इन भाइयों से कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है ना। बुरा न मानो, तो एक बड़ा आसान तरीका सोचा है मैंने, सांप मरे और लाठी न टूटे। क्या मतलब? मतलब ये कि जायदाद का आपस में बंटवारा कर लो। बंटवारा? बंटवारा? हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे फजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेंगे। न तुम्हें किसी बात का डर, न उन्हें किसी बात की चिंता। शंकर भैया बचपन की बातें गई, अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी शादियां हो गई हैं, कल तुम्हारे बाल बच्चे होंगे, दुनियादारी देखनी पड़ेगी, आखिर कुछ तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए। हाँ तुम ठीक कहते हो छोटे बाबू, मैं इस बात पर विचार करूंगा। हाँ? विचार करूंगा? अरे खाक विचार करोगे, जो कुछ करना है आज ही कर डालो ना, अभी इसी वक्त। देखो अस्पताल का बड़ा ही अच्छा बहाना मिला है, जाओ जाओ। अच्छा जाता हूँ। हाँ जॉन, अस्पताल का काम फिर शुरू कर दिया तुमने? हाँ। रुपए कहाँ से आए बोलो? चोरी की मैंने। मजाक मत करो जॉन, बताओ रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? वो दिन भूल गए जब मुझसे रुपए मांगने आए थे। लेकिन वो दिन नहीं भूला जब तुमने आकर मेरे अस्पताल का काम बंद कर दिया था। जॉन शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कैसे हुए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, मुझे कहीं का न रखा तुमने और आज पूछते हो रुपए कहाँ से आए। अरे क्या बात है, डॉक्टर साहब बहुत बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्या आज कोई मरीज नहीं मिला? मजाक मत करो यूसुफ, चुप रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए, जॉन से पूछो अस्पताल के लिए रुपए कहाँ से आए। ये कौन सी बड़ी बात है, अरे बताते क्यों नहीं? तुमने कहीं चोरी नहीं की होगी, डाका नहीं डाला होगा, यही कहीं से कर्ज लिया होगा, बता दो उसका नाम। मैं तुम लोगों से फिर कह देता हूँ कि मेरे जाति मामला तुम दखल मत दो, मैं चाहे जो कुछ भी करूँ। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई? कभी थे अब नहीं, ये क्या कहते हो? हाँ आज मेरी आंखें खुली हैं, कल तुम्हें भी पता चल जाएगा। शंकर को अपनी दौलत की पड़ी हुई है, कहीं हम सब मिलकर उसे लूट न लें। खामोश। शंकर ये क्या, जो कुछ होता है ठीक ही होता है यूसुफ, आज जॉन ने अपना रंग दिखा दिया, हो सकता है कल मैं भी बहक जाऊं, परसों तुम्हारी भी नजर फिर जाए, इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी मनहूस घड़ी आने से पहले हम अपने अपने अधिकार समझ लें। अधिकार? क्या मतलब है तुम्हारा? अल्लाह की जमीन तक नहीं, तुम यहाँ रहना चाहती हो तो डॉक्टर रहो। ऐसे कैसे हो सकता, मुसलमान और अपने शहर कभी जुदा नहीं हो सकते, हम माँ हैं भाई हैं बाबा हैं, लेकिन जहाँ तुम नहीं हो वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं। नरगिस मुझे अपने साथ ले चलो, कुछ दिन अब्बा क्या रहेंगे। अच्छी बात है, तो जल्दी निकल चलो यहाँ से, कहीं माँ को मालूम हो गया तो जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, अब दूसरा कोई रास्ता नहीं, हमें यहां से जाना ही चाहिए। मेरे बच्चे, माँ क्या हुआ? माँ
नहीं बेटे, बहुत बुरा सपना देखा। क्या? नाव, तूफान, उसमें वो तीनों कौन? यूसुफ, जॉन, शंकर, वो तीनों भी देखा है। यूसुफ, यूसुफ, दुर्गा, देख जरा जॉन को तो बुला। यूसुफ, ये कहाँ गए? दुर्गा, माँ, जॉन भैया भी नहीं है। कहाँ गए ये सब के सब? शंकर, क्या बात है दुर्गा? तो क्यों रोती है? बता। माँ, माँ, क्या हुआ? आज शंकर भैया से उनकी कुछ बात नहीं हुई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। शंकर, शंकर, क्या है माँ? शंकर, इधर तो आ। यूसुफ और जान कहाँ है? क्या कह दिया तूने उनसे? जो मैंने ठीक समझा। जो तूने ठीक समझा? शर्म नहीं आती? अपने भाइयों के घर से बाहर निकाल कर तू यहाँ आराम से बैठता है? बेशरम करी का। लेकिन मैं तो कुछ नहीं सुनना चाहती। जा उन्हें मना कर लाने से तू भी मुंह न दिखा। चलो बेटा, इस घर से निकल जाए। माँ को छोड़कर कैसे जाएंगे? तुम रहना चाहती हो तो रहो, मैं जाता हूँ। गाँव में किसी इंसान के यहाँ रहेंगे। चलो माँ। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक हमेशा से रहा है कि किसी घर में भाई भाई मिलकर न रहते। अफसोस न करो माँ, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुख कैसे दूर कर सकता हूँ? अभी अभी गया था उन तीनों के पास, बहुत समझाया माँ, बहुत समझाया, लेकिन तीनों अरे हुए हैं अपनी जिद पर। अब तो भगवान ही जाने क्या चाहते हैं। अपना घर बर्बाद देखना चाहते हैं। जिस माँ ने दूध पिला पिला कर बड़ा किया, उसका खून पिला पिला। नहीं, नहीं, ऐसा ना कहो। बच्चे ठहरी, आज रूठे हैं, कल फिर आ जाएंगे, और तब तक जो जमींदारी का काम है वो मैं देख लिया करूंगा। मैंने तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। ईश्वर, काश कि तुम्हारा दुख देखने के लिए उसके पास आंखें होती। अच्छा, नमस्ते। नहीं मिट्टू, कौन एक ही है? भूल जाए पापा को।
देखा तुमने, मेरा सपना टूट गया। आग लग गई। खेतों में आग लग गई। चलो हम जाकर बुझाने। इस हालत में तुम कैसे जा सकते हो माँ? कैसे निकालो माँ चचा? मेरे खेतों में आग लग गई है। मेरे किसानों का आवाज जला। माँ, चलो दुर्गा। तुम्हारे भाइयों ने मेरे लिए चिता जला रखी है। उनके झगड़ों का ये नतीजा है। माँ, रोकिए माँ को। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता बेटी। खेतों में आग
कहा होगा। चलो हम उसका घर जला देंगे। क्यों तुम्हें आग लग गई? अब जाइए आग बुझाने, हम जाते हैं माँ के पास। चलो बहन। बेटा बेटा मिल गए तुम तीनों। माता है रमान चाचा, उन्हें घर भेज दिया है, बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? हाँ। चलो हम लोग जल्दी करते रहे। चलो 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 बेटा। किसानों, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम हमारा घर चला सकते हो, ये बर्बाद कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी बिगड़ी नहीं बन सकती। कुछ भी हो लेकिन हमारे दिल की आग तो बुझाएगी। खामोश, हमें शांति से काम लेना चाहिए। देखिए बड़े बाबू, आपने अपने लाडले बेटे की कस्तूत, उसने हमारे घर में आग लगाई। ऐसी आग का जिसे हम न देख सके, हमारे भाई न देख सके, लेकिन इन गरीब किसानों ने उसका क्या बिगाड़ा था। आज ही गरीब किसान चाहे तो तुम्हारे घर को जलाकर खा कर सकते हैं। इनकी आहें तुम्हारी बुनियादों को हिला सकती हैं। मैं जानता हूँ गरीबों की आहें मुझे क्या, बड़ी बड़ी हस्तियों को हिला सकती हैं। छोटे बाबू ने जो गुनाह किया है उसकी उसे जितनी भी बड़ी सजा दी जाए थोड़ी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं पूरा करूंगा। बड़े बाबू, तुम्हारे वादों पर अब हमें यकीन नहीं। इन झूठी तसल्लियों को अपने पास ही रहने दो, अब हम इसका इंसाफ अपने आप ही करेंगे। अब वो शैतान इस गांव में नहीं रह सकता जिसने हमारी माँ का सुख और चैन छीना, भाई भाई को दुश्मन बना दिया। बड़े बाबू, आज तुम्हें मालूम हो जाएगा कि भाइयों के तहत में कितनी कुवत होती है। आज हम तुम्हारी चार बातियों का खात्मा कर देंगे। आज हमें अपनी माँ का फूला हुआ सबक फिर याद आ गया है। हम एक हैं, हमारी एकता की आवाज के सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। बड़े बाबू, तुम्हें गांव छोड़कर जाना ही होगा, और हमेशा के लिए। मैं जी जान से गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। छोटे बाबू कल इस गांव में न रहेगा, फिर कभी तुम पर ऐसी कोई मुसीबत न आएगी। तुम्हें पता एक बाप अपने बेटे को इससे ज्यादा और क्या सजा दे सकता है। बेटा
अरे बेटा, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वो देखो, तुम्हारी माँ। मेरे बच्चे। हम जागुड़े हैं सोकर हमने हारे बातें जीते एक होकर मेरी आँखों के उजियारे हो तुम, मेरी आँखों के उजियारे हो तुम, अपने इस घर के रखवाले हो तुम, अपने इस घर के रखवाले हो तुम भी करोगे माँ की गोद निहार, तुम भी करोगे माँ की गोद निहार, एक सुर में बोलो बोलो मेरे नाल, बोलो बोलो मेरे नाल, बोलो बोलो मेरे लाल, बोलो बोलो मेरे लाल, हमारा घर है, एक हमारी माता, एक हमारा घर है, एक हमारी।